दिल्ली में हुए अन्ना आंदोलन के उपज आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की बागडोर है, लेकिन केजरीवाल की चाहत अब बढ़ती चली जा रही है। केजरीवाल लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं, लिहाजा वो दिल्ली से बाहर चुनाव लड़ने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। केजरीवाल यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा समेत कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल हर राज्य में वोटर्स को पानी फ्री, बिजली फ्री का ऑफर भी दे रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल ये भी बताने में जुटे हैं कि वो एक ईमानदार नेता हैं और उनकी पार्टी भी ईमानदार है। भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं पर सैकड़ों आरोप लगे हों, अब केजरीवाल की पार्टी पर उनके एक पुराने सहयोगी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी पर गोवा में पैसे बांटने के आरोप लगे हैं और ये आरोप आपके पूर्व नेता आशुतोष ने लगाए हैं। आशुतोष ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक समय में जनता से पैसे मांगने वाली आम आदमी पार्टी जिस कदर गोवा और पंजाब चुनाव में पैसे फेंक रही है, वो हैरतअंगेज है। आम आदमी पार्टी पर आशुतोष का ये आरोप उस समय लगा जब 4 दिसंबर को खुद केजरीवाल ने गोवा में ये आरोप लगाया कि पार्टियों ने गोवा में पैसे के दम पर चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि गोवा बदलाव चाहता है, विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाली पार्टियों का समय गया है, लेकिन अब गोवा में खुद केजरीवाल की पार्टी पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी केजरीवाल और उनकी पार्टी ने चुप्पी साधी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भेद उनके पुराने नेता ही खोलने में जुटे हैं। इससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल सिर्फ ढोंग और दिखावे की राजनीति करते हैं और दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नौटंकी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।